मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। बीवी ने शौहर से ऐसी डिमांड कर दी जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। शौहर से बीवी ने अपनी दाढ़ी कटवाने की डिमांड कर दी और डिमांड पूरा नहीं होने पर बीवी गुस्से में आ गई और मायके चली गई। यही नहीं, शौहर के खिलाफ 3 तलाक, दहेज उत्पीड़न और शारीरिक शोषण का मामला भी दर्ज करवा दी। ये पूरा मामला अलीगढ़ का है। अकराबाद के पिलखाना के रहने वाले जलालुद्दीन मस्जिद के इमाम हैं। इनका निकाह 6 जून 2020 को सतनापुर गांव में रहने वाले इमामुद्दीन की बेटी से हुआ था। कुछ दिन तक सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा, मगर उसके बाद बीवी ने अपने शौहर जलालुद्दीन से अपनी दाढ़ी कटवाने की बात कही और उन्हें मॉडर्न लड़कों की तरह रहने की डिमांड करने लगी। हालांकि जलालुद्दीन ने ऐसा नहीं किया क्योंकि वो एक मस्जिद के इमाम हैं और दाढ़ी रखना सुन्नत है। इसी से नाराज़ होकर उनकी बीवी मायके चली गई और उन पर FIR दर्ज कर दी। अब पीड़ित जलालुद्दीन इमाम साहब इंसाफ के लिए गुहार लगा रहे हैं। मेरी समस्या सर ये है कि मेरी शादी सतरापुर से हुई बीना से सन 2020 6 जून में, तो उसमें क्या कहना है, वो मेरी दाढ़ी को लेकर उसे ही कहती है कि दाढ़ी कटवाओ। सर मैं एक इमाम हूँ, मैं धार्मिक स्थल से, लेकिन मैं दाढ़ी को नहीं कटवा सकता। उनने कि या तो दाढ़ी कटवाएगा, दाढ़ी नहीं कटवाएगा, तुझे फर्जी मुकदमा में मैं दावा करूंगी दहेज एक्ट में, और तेरे भाइयों पर 354 वगैरह ये सब लगवा रखे हैं, फिर फर्जी मुकदमा मुझ पर लगवाया है। मैं उसके भाइयों से शिकायत करता हूँ, भाई मेरी शादी हुई थी, अब भी दाढ़ी थी, अब तुम देखने के लिए आए, अब क्या हुआ कि वो कहते हैं कि ये कहते हैं कि साले जान से ख़त्म करता हूँ तुझे अगर कहीं मिलेगा। एक बार मुझे घेर लिया गया, सतरापुर में गया था तो मुझे घेर लिया गया कुछ दिनों पहले, तो ये घर पे भी नहीं रहती है, इस वजह से दाढ़ी ये 10-5 दिन घर जाकर अपनी चली जाती है, और इस तरीके दाढ़ी कटवानी कहती है, लेकिन मैं दाढ़ी नहीं कटवा सकता, और मुझे बार बार मारने की धमकी देते हैं। अगर मेरे हक में, मैं इसलिए यहाँ 2-3 दिन से भटक रहा हूँ कि मुझे कप्तान साहब नहीं मिले हैं, और क्या कहें, अगर मुकदमा सही है तो हमें जेल भेजा जाए, और मुकदमा अगर हमारी इंक्वायरी सही तरीके से की जाए, क्योंकि हमारे वहाँ से सही सलामत ये शादी के नाम पर आइएगा 7 तारीख और 11 महीना में सन 2021 में क्या कहें, कौड़िया में शादी है, हम वहाँ जाना चाहते हैं, मेरे यहाँ से अच्छी खासी ही आई है, और इसने जाकर वहाँ पर 20 तारीख को मुझे धमकी दी है और 25 तारीख को इन्हें मुकदमा दर्ज करवा दिया है।